मूसलाधार आफत में जिंदगी किस तरह ठिठक जाती है वो आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर में देख सकते हैं। ये छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे है। बरसाती नदी उफान पर है और नदी के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग सहमे से खड़े हैं। आवाजाही के लिए जो डायवर्जन रास्ता था वो डूब चुका है। करीब 3 घंटे तक यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पास में आप निर्माणाधीन गहरा नाला पुल भी देख रहे हैं। शायद मॉनसून के अगले सीजन तक ये पुल चालू हो जाए और यहाँ के लोगों के लिए ये मुसीबत आखिरी साबित हो। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ रामाकोना छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा के बिछुआ में पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल और घरों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए, कृषि केंद्र और एटीएम में भी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से यहां एक दंपत्ति का शव चिमुआ डैम से मिला है। शनिवार को ये दंपत्ति सामान खरीदने सिंगोड़ी बाजार गया था और तब से लापता था। अब हम छिंदवाड़ा के सौसर नगर की तस्वीर दिखाते हैं। सौसर के बीचों बीच बहने वाले बाधा नाले में ऐसा तूफान आया कि भारत माता चौक में पानी घुस गया। दर्जनों मकान और दुकान पानी पानी हो गए, कई गाड़ियां डूब गई। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 गाड़ी डूबी हुई थी और हर घरों में पानी डूबा भरा हुआ था और इतना पानी भरने के बाद भी यहाँ कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ न पानी निकासी की है न कोई है, जबकि हर साल यहाँ इतना पानी भरता है ना। वो जो भाग्य नाला जो भर के आता है तो ये नाला पूरा रोक देता है। इसको रोकने के बाद में हर घरों में पानी घुस जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे स्थित बोराड नदी के उफान की ये तस्वीर देखिए। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस वजह से कल स्टेट हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा क्योंकि पानी चीर कर पार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 घंटे बाद जब लहरों का रौद रूप कम हुआ तो आवाजाही शुरू हो पाई। यहाँ पर ये पुल करीब 6 साल से बन रहा है लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। उधर खरगोन के औंडल नदी में भी उफान है। तस्वीर देखिए, ये युवक किस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहा है। लोगों की नजर इस युवक पर पड़ी तो लोग शोर मचाने लगे। बाइकर की मदद के लिए एक युवक उसकी मदद को पहुंचा और फिर दोनों किसी तरह सुरक्षित किनारे पर आ गए। भारी बारिश की वजह से बैतूल में भी नदी नाले और डैम उफान पर हैं। उफान की वजह से कल पारस डैम के 2 गेट को खोलने की नौबत आ गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह बारिश का संकट जारी है, लेकिन ये संकट अभी टलता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, बैतूल से राजेश भाटिया और खरगोन से उमेश वेवालिया के साथ आज तक ब्यूरो।